हेलो नमस्कार, मैं अनमीशा, हमारे चैनल किचन क्वीन अनमीशा में आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो गाइस, आज सुबह ही मैंने अपने 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं, सो थैंक यू सो मच दिवाली से पहले मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए और मेरी दिवाली और भी ज़्यादा कलरफुल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो एज वी ऑल नो दैट दिवाली इज राउंड द कॉर्नर एंड फॉर मी, स्पेशली फॉर मी, दिवाली मीन्स लॉट ऑफ स्वीट्स, लॉट ऑफ फूड, लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट एट होम। एंड क्योंकि मैं पहले अपने मॉम डैड के साथ थी तो मेरी मम्मा बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बना करके मुझे खिलाया करती थी, एंड आफ्टर माई वेडिंग आई जस्ट मिस दोज फूड्स। तो आई जस्ट थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई टू ऑल द रेसिपीज दैट माई मम्मा यूज टू कुक एवरी दिवाली। तो मेरी आज की जो रेसिपी है दैट इज मेथी मटरी, जो कि एक स्नैक्स के तौर पर सर्व किया जा सकता है। आप उसे टी टाइम पे सर्व कर सकते हो या फिर अगर आप ऑफिस गोइंग हो तो आप इस मटरी को बना करके अच्छे से स्टोर कर लो और आप अपने टिफिन के छोटे से डब्बे में इसे रख सकते हो और कभी कभी खा सकते हो, क्योंकि ऑफिस में भूख लगती है यार, काम करते करते हर किसी को भूख लगती है। तो बिना वक्त जाया करें आइए देखते हैं कि हम मेथी मटरी कैसे बना सकते हैं। तो मेथी मछली बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा लिया है। इसके बाद हमें चाहिए गोलकी। मैंने यहाँ पर 8 से 10 दाने गोलकी के दरदरा कूट लिए हैं घर पर। उसके बाद हमें चाहिए मेथी, करीबन 1 चम्मच सूखी मेथी हमने यूज किया है यहाँ पे, ड्राइड फेनिग्रिक लीव्स। उसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा अजवाइन, नमक स्वादानुसार, और हमें चाहिए घी मोएम के लिए। सो अब हम देखते हैं कि हम इसका आटा कैसे गूंथते हैं। सो हम एक बर्तन लेंगे, इसमें हम सबसे पहले हमारा मैदा डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें हमारे गोलकी के दाने डाल देंगे। देन वील एड कसूरी मेथी इन इट, थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया हमने, और नमक हम स्वाद अनुसार देंगे इसमें। लगभग आपको 1 टीस्पून सॉल्ट इसमें डालना है, और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम पहले सारे ड्राई आइटम्स डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा घी। घी आप पहले थोड़ा सा दें, अच्छे से मिक्स करके चेक कर लें कि आपका मोयम बन रहा है या नहीं, उसके बाद आप दें। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच घी दिया है इस समय, और हम अच्छे से हमारे मैदे को मिक्स कर लेंगे। मोयम चेक करने का जो तरीका होता है वो ये है कि जब आप पूरे घी को अच्छे से मैदे में मिक्स कर दें, उसके बाद इस सूखे मैदे की ना एक मुट्ठी बननी चाहिए, एक लड्डू बनना चाहिए। सो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें थोड़ा सा और घी डालने की इसमें जरूरत है, तो हम ये बचा हुआ घी भी इसमें डाल देंगे। ये हो गया, अब हम इसे एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर गाइस, आप हमेशा अपने हाथों को अच्छे से धो लें आटा गूंदने से पहले, बिकॉज आपके हाथ क्लीन होना बहुत जरूरी है। सो मैंने अपने हाथ को अच्छे से क्लीन कर लिया था, उसके बाद ही मैं अपने हाथ से आटा गूंद रही हूं। सो अब हम चेक करते हैं। Yes, so see, this is the thing I was talking about. एक लड्डू बनना चाहिए हमारे हाथों से, ये देखिए इस तरह से लड्डू बनना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी डालते समय आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालें और गूंथते जाएं। एक बार में ज़्यादा पानी बिल्कुल मत डालिएगा। हमें जो इसका डो तैयार करना है ये ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। जैसे हम पूड़ी का डो तैयार करते हैं ना, थोड़ा सा सख्त रहता है पूड़ी का आटा, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसका डो तैयार करना है। सो गाइस, हमारा जो आटा है वो गूंथकर रेडी है। आप देख सकते हैं यह आटा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब हम अपने आटे को
10 मिनट के लिए कवर करके इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। सो हमने इसे कवर कर दिया है और अब ये 10 मिनट्स के लिए सेट होगा। सो गाइस आफ्टर 10 मिनट्स वी गोना रिमूव द प्लेट, टेक सम घी ऑन आवर पाम, रब इट एंड नीट द डो अगेन फॉर 5 मिनट्स प्रॉपरली, ताकि आपका जो डो है वो अच्छे से नीड हो जाए। द रीजन इज कि आप इसे जितना अच्छे से गूंदोगे आपका जो मटरी है वो उतना ही ज्यादा खस्ता बनेगा एंड एक क्रिस्प टेस्ट आएगा उसमें जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। सो वील नीड आर डो प्रॉपरली फॉर दैट। सो गाइस हमारा जो मैदा का आटा था ये डो अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। मीनवाइल अब हम इसे 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। 4 यानी मतलब आपके आटे के जितने भी टुकड़े होंगे आप उसे डिवाइड कर ले। बड़ी बड़ी लोई बनानी है हमें, बड़े बड़े बॉल्स लेने हैं। इसे हमें चपाती शेप में बेलना है। अब मैं इससे पहले क्या करूँगी कि मैं अपनी कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए ऑलरेडी चढ़ा दूंगी ताकि हमारा तेल जो है वो साथ साथ गर्म होता रहे। सो मैंने अपनी कढ़ाई में तेल डाल करके इसे गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अब हम आटे की तरफ प्रिपेयर करते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे कि हमने एक बाउल में थोड़ा सा सूखा मैदा ले लिया है। अब हम एक इसका लोई उठाएंगे, इसे अच्छे से हम गोल कर लेंगे और इसे हम बेलेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, हल्का सा मोटा रखना है। तो मैं अपने स्लैब पर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क ले रही हूँ और अब हम इसे बेल लेते हैं। सो यू कैन सी कि हमें हमारे मैदे के जो रोटियां हैं उन्हें इतना मोटा रखना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है, इससे ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, मेरे पास क्योंकि इस वक्त कुकी कटर नहीं है तो मैंने अपने एक डब्बे का ढक्कन ले लिया है। आपके पास कुकी कटर है तो यू कैन यूज़ दैट। हम इससे इसे शेप दे देंगे राउंड राउंड। अगर आपके पास डिफरेंट शेप के कुकी कटर्स हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम इसे सर्कल में कट कर ले रहे हैं और थोड़ा सा और हमें काटने की जरूरत है अच्छे से। गाइस मुझसे भी गलतियां होंगी बिकॉज मैं इन चीजों में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं थी। मैं ये सब चीजें बस अपनी मम्मा से डिमांड करती थी खाने के लिए एंड शी यूज टू कुक ऑल ऑफ दिस फॉर मी। सो आई एम ऑल्सो लर्निंग। सो एज यू कैन सी कि हमने इसे राउंड राउंड कट कर लिया है। अब हम हमारे बाकी के डोज को भी इसी तरह से बेल करके और उसे एक कुकी फॉर्म में कट कर लेते हैं। सो गाइस हमारी सारी की सारी मटरी बनकर तैयार है, आइए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। सो फ्राई करने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने ऑलरेडी कढ़ाई में तेल डाल दिया था गर्म होने के लिए और हमारा जो तेल है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम धीरे धीरे इसमें हमारी मटरी डाल देंगे। मेक श्योर गाइस कि आप बहुत ज़्यादा एक बार में ना डालें बिकॉज आप बहुत ज़्यादा डाल दीजिएगा तो कुछ कच्चा कुछ पक्का रह जाएगा। तो इतना ही डालें जितना कि आपकी कढ़ाई में स्पेस है और आप अच्छे से उसे फ्राई कर सकते हैं। तो अब हम इसे एक एक करके डाल दे रहे हैं। हमें इसे डीप फ्राई करना है अच्छे से गर्म तेल में। That's it. इसे एकदम धीरे धीरे आप पलटिएगा
बहुत ज़्यादा अगर आप जोर लगाइएगा तो आपकी जो मछली है वो टूट सकती है, तो आप एकदम आराम से इसे फ्राई करिएगा। इसे हमेशा धीमी आंच पर फ्राई करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर, और जब इसमें हल्का हल्का ब्राउन स्पॉट आने लगे तब आप अपनी गैस को थोड़ा सा तेज आंच पे करिएगा, थोड़ा सा तेज, हल्का सा मीडियम फ्लेम पे डालना है। तो हम इसे धीमी आंच पर अच्छे से तल लेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे मच्छी के ऊपर में हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आने लगा है, बिल्कुल हल्का हल्का, तो अब हम अपने गैस को थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर डाल करके इसे ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। जस्ट मेक श्योर कि आप इस पर बिल्कुल अच्छे से फोकस करें, बिकॉज अगर आप थोड़ी देर के लिए भी इसे गर्म तेल में यूं ही छोड़ दीजिएगा तो ये एक साइड से पूरी तरह से जल जाएगा। तो आप इसे अच्छे से चलाते रहें और इसे फ्राई करें। सो गाइस, हमारी मच्छी बनकर तैयार है। अब इसी तरह से हम हमारी बाकी की मछलियों को भी फ्राई कर लेंगे। सो गाइस, एज यू ऑल कैन सी, हमारी मेथी मछली बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, मैं बैक टू बैक बहुत सारे दिवाली रेसिपीज अपलोड करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड एंड बेल आइकन को याद से प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज के लिए धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।